नाप तौल, और दूसरे में सीखेंगे कि वजन के बारे में हम बताएंगे आपको कि वजन में कितना होता है क्या होता है। उसके बाद हम लोग रुपयों से किस चीज को कैसे खरीदेंगे, रिनोनेशन के बारे में बताएंगे, 1000 रुपए के लोन, 500 का लोन, ये टोटल चीज आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखने वाले। तो एक साथ यू कह सकते हैं हम दो दो प्रैक्टिकल करने वाले हैं, और हमने बहुत सारे मटेरियल रखे हैं। एक पानी है लेकिन इसको हम तेल मान लेते हैं, ठीक है, और ये है दाल, ये आलू है, ये चावल है, हम लोग इसकी खरीदारी करेंगे और देखते हैं कि आप खरीदारी करेंगे मार्केट में जाएंगे तो किस तरह से आप कितने रुपये उनको देंगे और किस तरह से सामान खरीदेंगे, क्या आप थका तो नहीं गए। अगर हम दुकानदार रहेंगे यहाँ पे और आप लोगों को नाप तौल करके हम सब कुछ देने वाले हैं, उससे पहले हम यहाँ वजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कि जब भी मार्केट जाते हैं तो सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, ग्राम होती है। वजन का जब हम छोटी इकाई बात करते हैं तो वो ग्राम से शुरू होता है। तो ये जो हमारे पास है वो एक ग्राम का है, कितने ग्राम का है, एक ग्राम का। तो यानी एक केजी में कुल कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। कितने ग्राम, 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, ठीक है। अगर हम किसी को कहें कि हमको 500 ग्राम चाहिए तो हम कितना ले रहे हैं, आधा केजी। कितना ले रहे हैं, आधा केजी। अगर हम किसी को कहें कि हमको 200 ग्राम देना है तो 200 ग्राम क्या हुआ, मतलब 1000 का 200 ग्राम, तो वो आधा केजी के एक पौवा जिसको बोलते हैं उससे भी कम हुआ। तो एक पौवा कितना हुआ, 250 ग्राम, क्योंकि 500 ग्राम आधा किलो नहीं, और उसका आधा क्या हुआ, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम अगर हमको मिलता है इसका मतलब हम एक पौवा सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। तो नाप तौल के माध्यम से हम आपको उसका प्राइस रखेंगे, आप लोगों के पैसे दे रहे हैं, अब उसके माध्यम से हम देखेंगे कि कितना वजन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है वो 100 ग्राम का यूनिट है, ये देख सकते हैं 100 ग्राम है। अगर हमको 200 ग्राम को भी खरीदना होगा तो 100 ग्राम और 100 ग्राम 200 ग्राम देंगे तभी होगा। अगर मान लो तुम बोलोगे कि हमको 200 ग्राम चाहिए और हम एक ये दे देंगे और एक ये दे देंगे और कहेंगे 200 ग्राम हो गया, तो हम बेईमानी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इस यूनिट के मेजरमेंट को भी आपको सीखना होगा, ठीक है। अब दूसरी बात, हमारे पास बहुत सारे पैसे नोट्स हैं, यहां देख सकते हो बहुत सारे सिक्के भी हम आपको सीखे और खरीद बिक्री करने का हम अभी काम करेंगे। तो आप सिक्का के माध्यम से भी दे सकते हो, 5 रुपए का नोट दो या 5 रुपए का सिक्का, जो दोनों बात बराबर है ना। तो हमारे पास है ये है 5 रुपए का नोट, कितने रुपए का नोट, 5 रुपए का। आप देख सकते हो ये 5 रुपए का नोट है, यानी इसके माध्यम से अगर हम चाहे तो कोई सामान को खरीद सकते हैं। अगर आप 10 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं तो 2 को 5 दे दोगे तो भी चलेगा, है कि नहीं। तो हम 10 रुपए का नोट है, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। कितने पैसे, 100 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो उसको हमको देखना है, ठीक है। तो यानी हमको देखना है कि कितने का सामान हम खरीदने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कुछ बच्चों को कुछ पैसा देंगे और उसके माध्यम से हम उसकी खरीद बिक्री करेंगे। तो सबसे पहले हम बुलाएंगे आपकी, आप आइए, और आपको हम दे रहे हैं 2000, उसके बाद दे रहे हैं आपको हम 100, 1100 का, फिर दे रहे हैं 500, कितना हुआ, कितना हुआ पहले बोलो, कितना है 2000 और 500, कितना हुआ 2500, कितना हुआ 2600, ये कितना हुआ 2800, और हम आपको 2 को 5 का 2850 का नो भी दे रहे हैं, 2850 हुआ 2850, और 1 रुपए का दे रहे हैं, ठीक है। और हम कुछ खुदरा भी दे रहे हैं, ठीक है। ये खुदरा में जो है 5 रुपए का है, अब देखो 1 रुपए का नोट है ये, है ना, आप देख सकते 10 रुपए का है, तो हम आपको इतना खुदरा भी दे रहे हैं, आप ये पैसा लेकर के अपने आगे रख देते, ठीक है। अब हम बुलाएंगे हमारे राहुल आ जाएगा, राहुल आप लीजिए, वहाँ रखिए पैसा, आप आगे रखिए, आइए राहुल जी, 2000 आपको भी दिया हमने, 500 हम आपको दे रहे हैं, ये देखो 200 का नोट दिया हमने, 2000 का दिया, है ना, आपको हम दे रहे हैं 10-30 रुपए का दो नोट दे दिया, फिर 5 रुपए का दे दिया, कुछ सिक्का दे दिया, आप आगे रखिए, आगे रखिए, यहाँ रखिए, नहीं लेगा, चलिए आप यहाँ रखिए, आगे पैसा रखिए, इसमें रखिए, हम आपको दे रहे हैं 200 का दो नोट, एक 500 का, एक 100 रुपए का, एक 5 रुपए का, कुछ खुदरा आप सुझा के हमें आगे रखिए, क्योंकि हम लोग सामान खरीदारी कैसे करते हैं, 200 का 2000, फिर आपका हो गया 100 का, फिर हम दे रहे हैं आपको 20 रुपए का, ये लिए हम 2 रुपए का, ठीक है, कुछ खुदरा दे रहे हैं आपको, ले लीजिए, और हम दे रहे हैं, आइए सुधांशु, आइए तुम लोग आगे रखिए, आगे रखिए, उसका देखिए 5 रुपया खुदरा, 20 रुपये का पकड़िए, 10 रुपये का, फिर 20 रुपये का पकड़िए, आगे रखिए सर, ये आगे पूनम लीजिए, आपके पास भी पैसा होना चाहिए ना, दो के कैसे सामान सबका भी। चलिए, तो आप सभी के पास पैसे हैं, आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपके पास भी पैसे हैं, आपके पास भी, आपके पास सबके पास पैसे हैं। तो हम लोग अब सामान की खरीद बिक्री करने वाले हैं और इसके माध्यम से देख रहे हैं और कितना सामान खरीदेंगे, यानी आप वजन का। तो हमने पहले ही बताया कि अगर हमको 100 ग्राम खरीदना होगा तो ये जो है वो एक हमको 100 ग्राम का, ठीक है। उसके बाद ये है आपका, ये 10 ग्राम का है, ये है 5 ग्राम का, देख सकते हो 5 ग्राम का है, ये है 1 ग्राम क्वांटिटी में हम इसकी खरीद बिक्री करेंगे, यानी 100 ग्राम, 10 ग्राम, 20-50 ग्राम से 100 ग्राम के अंदर में हम खरीद बिक्री करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे ग्राम के अनुसार बिकेगा, 1 किलो माल लेंगे हम उसको, तो हम 1 किलो बेचेंगे, 2 किलो बेचेंगे, इस तरह से सामान की बिक्री करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप हमको बताइए आपके पास कितने पैसे हैं, आप लीजिए 2000 के बाद 500 रुपये का कितना हुआ, 2500 कितना हुआ 2500, हाँ उसके बाद 50 रुपया है, 2500, 50 रुपया और 20, 70 रुपया, 10, 80 रुपया और 80 रुपया, 10, 90 रुपया, 90 रुपया 50 पैसा, यानी 2590 रुपया 50 पैसा है, यानी इतना रुपया के पास है। आप बताओ पूरे आपके पास कितने पैसे हैं, 2000 हुआ 2100, 2102 रुपया, ये 2110 का 2 बार है, 2112 रुपया, 17 रुपया आपके पास है, हाँ
2866 रुपया आपके पास है, दैट्स गुड वन। यानी सभी के बताए कितना रुपया आपके पास है, कितना रुपया है, जितने भी लिक्विड चीज है जैसे पानी, तेल, दूध है ना, इस सबको हम किलो में नहीं नापते हैं, इस सबको हम किलो में नहीं नापते, किसमें नापते हैं, लीटर में। किसमें नापते हैं, दूध खरीदने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एक किलो दूध, क्या बोलते हैं लोग, एक लीटर दूध। तो जितने भी लिक्विड चीज होगा ये सब सॉलिड है, लेकिन यहाँ जो तेल के रूप में हम पानी रखे हुए हैं, जो तेल है इसको तो हम किलो के अनुसार नहीं बेच सकते, इसको हम लीटर में बेचेंगे। तो लीटर की माप ऑलरेडी हमने इसमें बना रखा है, आपको जितना चाहिए देखो, ये 100 मिलीलीटर है, यानी इसमें 100 मिलीलीटर तेल के रूप में पानी हम रखे हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये जो दाल है, लेकिन दाल को हम मिलीलीटर में नहीं नाप सकते, इसको केजी में नापेंगे। तो समझो यूं कि ये बर्तन दाल नापने के लिए नहीं है, ये बर्तन दाल नापने के लिए नहीं है। इसको हम समझो कि कहे कि आलू जो है वो 500 मिलीलीटर है तो गलत होगा, क्योंकि आलू को सॉलिड चीज है और उसको हम लीटर में नहीं नाप सकते, इसको हम नापेंगे केजी में। इसमें नापेंगे केजी में, अंडरस्टूड। तो चलिए अब हम इसकी खंड बिक्री करेंगे और मिलीलीटर का सामान हम लोग नापेंगे। इससे पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को सामान का मूल्य। हमारे पास चावल है, आलू है, दाल है और तेल के रूप में पानी रखे हुए, ठीक है। तो अभी हम लोग खंड बिक्री करेंगे और देखते हैं कौन से बेचेंगे। 10 ग्राम चावल का मूल्य जो है वह है 15 रुपया। तो कौन कौन खरीदेगा 10 ग्राम चावल 15 रुपया की दर से, आप खरीदेंगे। तो चलिए आपको हम 10 ग्राम चावल दे रहे हैं, आप आ जाइए 15 रुपया लेकर के, 15 रुपया लेकर के आ जाइए। जो एरो बना हुआ है ना वो इसके बराबर होना चाहिए, अगर बराबर ऐसे है इसका मतलब गलत है, ध्यान दो। चावल जो है वो 10 ग्राम चावल का दाम है 15 रुपया, तो हम लोग इसको 10 ग्राम बेचेंगे, यानी यूं कह सकते हैं, तो वैसा करते हैं, छोड़ो हम, ठीक है। तो केजी में तो मिलेगा नहीं, यहाँ ग्राम में मिलेगा। तो 1 केजी चावल यानी 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम है ना। तो 1000 ग्राम चावल अगर हम बेचेंगे तो हमको 50 रुपया मिलेगा। तो किसको कितना खरीदना है, आप आ जाए एक एक करके आइए। चलो आरती पहले आएगी और आरती बताएगी कि चावल जो हमने 50 रुपए केजी के हिसाब से बेचना है आपको कितना खरीदना है। 1 केजी चावल वजन थोड़ा सा क्या करना है, हमको अभी दाल बेचना है, ठीक है। तो दाल खरीदने के लिए कौन आएगा, कौन कौन लेगा दाल। दाल का कीमत मैं बता दूं पहले, 10 ग्राम दाल का कीमत है 20 रुपया। 10 ग्राम दाल लेंगे उसकी कीमत है 20 रुपया। चलिए आपकी आपको कितना खरीदना है, 20 रुपया। और जिस जिसको खरीदना है आप आगे खरीद सकते हैं जी। कितना 10 ग्राम है, सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि आपका देखिए ये सही मिलता जुलता है, यहाँ देखिए जो है ये तो ऐसे करके है ना, ये वाला ऊपर से ऐसे करके दोनों मिलेगा, तो मतलब समझेंगे कि हमारा सही से है। अब ना तो पहले हम 10 ग्राम का क्या करेंगे, ये जो है 10 ग्राम का वजन उस पर मिला रखेंगे। 10 ग्राम आप बताओ, 10 ग्राम रखिए ना दाल बेच रहे, 10 ग्राम का 20 रुपया लेंगे, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। देखो अब 10 ग्राम बेच रहे, हो गया, हो गया, हो गया, नहीं हुआ, मतलब नहीं हो रहा कि हाँ चला, अब हो गया, नहीं हुआ, नहीं हो रहा अभी भी, अब ज्यादा हो गया आपको, अब ये जब तक रुकेगा नहीं तब तक हमको लेना पड़ेगा, इसको हाथ से करके रोकने का कोशिश करेंगे, लेकिन 10 ग्राम ज्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें से थोड़ा सा निकाल देंगे। अब लगा यानी हमने आपको इतना 10 ग्राम, ये है 10 ग्राम, देखो कर से है ना, बस जाता है, लेना है 20 रुपया। चलिए 20 रुपया हमने लिया इनसे और 10 ग्राम दाल हम देने वाले हैं, लीजिए 10 ग्राम दाल लीजिए, हाथ में लीजिए, हाथ में नहीं, आपने हमारा 10 ग्राम का बर्तन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन कटेगा, किस कितना घटना है 20 ग्राम, तो 10 ग्राम का कीमत है 20 रुपया, तो 20 ग्राम का कीमत कितना होगा 40 रुपया, 20 ग्राम का कीमत कितना होगा 60 रुपया। अब आएगा शिवम और इसको 30 ग्राम देगा, 60 रुपया लेगा, आइए शिवम आपको 10 ग्राम दाल आरती को, यस आरती आप चेक करें कि सही सही दे रहा है कि नहीं, गलत देगा तो बताइएगा। यस 10 ग्राम की कीमत है 20 रुपया, ये लेगी 30 ग्राम, देखते हैं सही दे रहा है या गलत दे रहा है। थोड़ा हाथ से रोकिए ना, उड़ जाएगा, सही है, सही है, देखिए ये देखिए मिल रहा है ना, सही है। यानी 30 ग्राम आपने दाल ले लिया, पहले पैसा ले लेंगे कि नहीं लेंगे, कितना लेंगे पैसा, कितना रुपया लेंगे, 10 ग्राम का 20 रुपया है, सिर्फ कितना रुपया चाहिए आपको, चेक कीजिए देखिए कितना रुपया दिया है, 60 रुपया, दिखाइए ना, 50 55 और ये 5 रुपये का सिक्का है, 60 रुपया, गुड, रख दीजिए और दे दीजिए दाल, गुड, दाल ले लीजिए, लीजिए दाल, हाँ ठीक से गिरे ना, ठीक है गुड, 10 ग्राम का 20 रुपया बोलो, 20 ग्राम दे दीजिए, 20 ग्राम का कितना होगा राजन जी,
राजन कितना रुपया लेंगे 20 ग्राम का? 40 रुपया 20 ग्राम दाल वजन किया जा रहा है हमारे दुकानदार के द्वारा। देखते हैं, आपको लग रहा है 20 ग्राम दिया है? हमको तो लग रहा है 5-5 ग्राम का दे दिया है। तो राजन कैसे प्राइस है? 10 ग्राम का 25 रुपया। अब देखते हैं कौन आता है खरीदने के लिए। चलिए आप आएंगे, क्या नाम है बाबू आपका? आपको चावल खरीदना है ना, 10 ग्राम का 25 रुपया, कितना ग्राम खरीदेंगे? 10 ग्राम चावल खरीदेंगे। चलिए दीजिए इनको 10 ग्राम चावल। कितने 10 ग्राम का कितना रुपया लेते हैं? कितना रुपया चाहिए आपको? 25 रुपया लीजिए। खुदरा है आपके पास? अब कैसे होगा, खुदरा तो करना, खुदरा नहीं मिलने का 20 ग्राम लेंगे। तो 20 ग्राम का कितना लीजिएगा राहुल? राजन 50 रुपया। गुड, 50 रुपये का चावल खरीदेंगे हमारे। देखते हैं 20 ग्राम दे पाते हैं कि नहीं। आप लोग भी खरीदेंगे? अच्छा बैठ जाइए, एक एक करके आइए। अभी बिक रहा है 200 ग्राम चावल। सही से मिला के लीजिए, सही दे रहा है ना वजन? बेईमानी नहीं ना कर रहा दुकानदार? हाँ ठीक से ध्यान दीजिएगा आप। देखते रहिए, हमको तो लग रहा है गलत दे रहा है। आपको 20 ग्राम बोले थे, 10 ग्राम दिया है। अब कितना दे दिया? 20 ग्राम था। अच्छा अच्छा, हमको लगा बेईमान किया भाई, हमको तो लगा था बेईमानी कर रहे हैं। चलिए 20 ग्राम चावल बिक रहा है 50 रुपये का, वेरी गुड। चलिए दे दीजिए हमको चावल। गुड, ले लीजिए भैया 20 ग्राम चावल ले लीजिए आप। 10 ग्राम का 25 रुपया, कितना ले रहे हैं आप? 20 ग्राम। पहले पैसा ले लीजिए, कितना रुपया दे रहा है? 20 ग्राम का 25 रुपया हुआ ना, 50 रुपया। अच्छा अच्छा, चलिए दीजिए 20 ग्राम दीजिए। 20 ग्राम चावल खरीदने आई है आरती, 10 ग्राम का दाम है 25 रुपया, तो 20 ग्राम का दाम कितना हुआ बच्चों? 50 रुपया। कितना रुपया ग्राम हुआ? 50 रुपया। अरे बाप रे, आप लोग भी खरीदे हो? क्या खरीदे हो आप? चावल खरीदे हो? आप क्या खरीदे हो? दाल खरीदे हो? अभी दाल खरीदे हो? बहुत पैसा अभी तुम लोग के पास? बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा अभी। सब खरीदेगा, तुम लोग भी खरीदोगे? बहुत अच्छा। ये देखते हैं 20 ग्राम नपता है कि नहीं आरती, हमको तो लग रहा है आपको गलत दे रही है वो। 10 ग्राम चढ़ाइए बटखारा। 20 ग्राम है? अच्छा अच्छा, हमको लगा 10 ग्राम है, हमको लगा कहीं मेहमानी कर रही हो आप। अभी भी मुझे लगा टी रहा है ना, दिस इज द लाइब्रेरी डूइंग दिस, लगा है? देखे भैया, अरे यार अभी भी थोड़ा सा हमको लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा और कम करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा कम करिएगा भैया, थोड़ा बढ़ा के दो, सोना चांदी थोड़ी बेच रहे हो। हाँ आप दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, थोड़ा ज़्यादा ही दे दो, दे दो। चलो ले लो भाई, ले लो ले लो। 20 ग्राम चावल, 10 ग्राम चावल का दाम है 25 रुपया। 50 रुपया। 500 रुपये किलो है, 500 रुपये किलो आलू कितना चाहिए? 1 किलो तो मेरे पास वजन नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा कम कर देता हूँ। मैं सबसे पहले आपको 1 किलो तो ले दूंगा, तो हम देंगे अभी 50 रुपये किलो है, 500 रुपये किलो है, 500 रुपये आलू कितना चाहिए? 100 ग्राम, 100 ग्राम का 50 रुपये निकालो भाई, 50 ग्राम है ना, देखो 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम और मैं 80 ग्राम दे सकता हूँ, मेरे पास 80 ग्राम का बैठा है, ठीक है 80 ग्राम में दे रहा हूँ। देखो 80 ग्राम का मैंने आलू देना है इनको, देखता हूँ बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत भारी हो गया, 80 ग्राम भी ज़्यादा हो गया। एक ग्राम ना और दू कम है? है कम नहीं है, मेहरबानी करता है तू। हेलो चलो, मैं तुमको ज़्यादा दे देता हूँ, क्या लो 50 रुपये आप ले लो, चलो 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 जी।